हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डोरंडा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीरा कुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं थी को मान्यता दी गई थी? 22। ठीक है, चीन की मुद्रा कौन कौन सी है? युआन। ठीक है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षिणेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षिणेश का कितने देश संबंध है? ये सार्क होगा, ठीक है, आप दक्षिणेश से कंफ्यूज ना होइएगा। दक्षिणेश का मतलब सार्क, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल है, और सार्क के 8 देश है: भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये होंगे 8। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। विश्व में अदरक माइक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा? भारत। ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। ठीक, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाजपन, जिससे कहते हैं निसंतान होना। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर हाजिर होंगे आपको नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।